दोस्तों 2010 XJ-11 ये उल्कापिंड 1 जुलाई को हमारी धरती के बेहद नजदीक से होकर गुजरने वाला है। इसे हम जूम करके बेहद नजदीक से होकर देखेंगे कि ये किस तरह से हमारी धरती के ऑर्बिट को क्रॉस करता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस उल्कापिंड का आकार काफी बड़ा है और ये बड़ी तेजी से हमारी धरती की तरफ बढ़ रहा है। मैं अगर इस ग्राफ को जूम करके दिखाऊं तो आप देख सकते हो कि इन दोनों का ऑर्बिट पीरियड यहाँ पर 1 जुलाई को आपस में क्रॉस हो रहा है और ये इस तरह से इस एंगल से हमारी धरती के ऑर्बिट को क्रॉस करेगा। दोस्तों इसे मैं यहाँ पर रोक देता हूँ और ये देख सकते हो कि ये हमारी धरती से लगभग 4 लाख किलोमीटर दूरी से गुजरेगा, 4 लाख माइल्स की दूरी से गुजरेगा और ये कुछ इस एंगल से देखने पर आप देख सकते हो कितनी दूरी से हमारी धरती की ऑर्बिट को क्रॉस कर रहा है। हालांकि इस उल्कापिंड से हमारी धरती को कोई खतरा नहीं है क्योंकि ये काफ़ी दूरी से हमारी धरती के करीब के हमारी धरती के ऑर्बिट को क्रॉस करके अपने ऑर्बिट सफर के लिए निकल जाएगा। 2010 XJ-11 इस उल्कापिंड की खोज 2010 में की गई थी और ये तब से हमारी धरती के लिए खतरा बना हुआ है क्योंकि ये हर बार हमारी धरती के करीब से होकर गुजरता है। इसका ऑर्बिट पीरियड कुछ ऐसा है कि सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करके हर बार हमारी धरती के बेहद नजदीक से होकर गुजरता है और इस बार यह 4 लाख किलोमीटर दूरी से गुजरेगा। हालांकि इस उल्कापिंड से हमारी धरती को कोई खतरा नहीं है क्योंकि ये उल्कापिंड हमारी धरती से लगभग 4 लाख किलोमीटर दूरी से गुजरेगा। लेकिन दोस्तों अगर किसी उल्कापिंड से हमारी धरती को खतरा है तो वो है एफोफिस एस्टेरॉयड, जिसका लिंक आपको एंड स्क्रीन में मैं दे दूंगा। दोस्तों एफोफिस एस्टेरॉयड एक ऐसा एस्टेरॉयड है जो आने वाले समय में हमारी धरती से टकरा सकता है। 13 अप्रैल 2029 को हमारी धरती पर सबसे बड़ा खतरा है एफोफिस एस्टेरॉयड का, जिसको एंड स्क्रीन में वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों धरती की तरफ आने वाले खतरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और ऑल पर सेलेक्ट करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।